ओके सो आज मैं आप सभी लोगों को इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक से ज़्यादा फोटो को कैसे ऐड करना है इस चीज़ के बारे में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम अपना यहाँ पर इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इंस्टाग्राम को ओपन करा, देन आप सभी लोगों को कॉर्नर पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है योर स्टोरी, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर मैंने जैसे ही क्लिक करा, कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज आ जाएगा। देन उसके बाद आप सभी लोग देख सकते हैं नीचे साइड में आप लोगों को पोस्ट स्टोरी रील वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आप सभी लोगों को स्टोरी पर टैप कर लेना है। ओके, जैसे ही स्टोरी पर आप सभी लोग टैप करेंगे, उसके बाद आप सभी लोगों को लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है गैलरी का, इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। चलिए मैंने इस पर क्लिक कर लिया हूँ। अब गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके सामने गैलरी ओपन हो चुकी है। हम नीचे साइड जाएंगे और जो भी आप सभी लोगों को फ़ोटो लगाना है उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। चलिए एक फ़ोटो को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो फर्स्ट फोटो लेते हैं हम, उसको आप सभी लोगों को दोनों फिंगर से जूम इन जूम आउट करना है एडजस्ट करने के लिए। और एक चीज का यह भी ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल पर जितना डिस्प्ले पर शो हो रहा है स्क्रीन, आप जितने छोटे साइज में फोटो लगाओगे उतना ज्यादा फोटो का आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी। ओके, तो चलिए इसको डबल फिंगर से मैं साइड में एडजस्ट कर लेता हूं इस तरीके से। ओके, ये ठीक हो गया है सही से। उसके बाद अब आप लोग को करना क्या है, एक आप लोगों को ऊपर साइड में थर्ड नंबर पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है स्टिकर का, इस पर चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही इस पर मैंने क्लिक करा, आप सभी लोगों को नीचे साइड आना है और उसके बाद आपको एक प्लस वाला सिम्बॉल देखने को मिल रहा है, इस पर आप सभी लोगों को क्लिक कर लेना है। चलिए मैंने इस पर क्लिक कर लिया हूँ। उसके बाद हम नीचे साइड आएंगे और यहाँ पर जो भी नेक्स्ट फोटो आप सभी लोगों को सिलेक्ट करना है उसको क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद देख लीजिए फोटो के कॉर्नर है, कॉर्नर सही से नहीं हो रहा है, तो वन टैप आपको फोटो पर करना है तो कॉर्नर सही से हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट टैप करूंगा तो इस तरीके से फोटो की पूरी यहां पर सर्कल वगैरह सारा कुछ यहां पर देखने को आप लोगों को मिलेगा, तो ये ठीक है। ओके, तो इसको हम डबल फिंगर से ऊपर साइड लेके जाएंगे और यहां पर सही से इसकी जो साइज है वो साइज को एडजस्ट कर लेंगे। तो देख लीजिए मैंने सही से कर लिया और इसको भी थोड़ा सा हम छोटा सा कर लेते हैं जूम इन जूम आउट करके। ध्यान रखना है ये डबल फिंगर से होगा, सिंगल फिंगर से आप लोग नहीं कर सकते। उसके बाद आप लोगों को फिर से वही सिंपल सा सारे फोटो को यहां पर ले लेना है। मैं यहां पर आप सभी लोगों को ओनली 4 फोटो का दिखाऊंगा, बाकी अगर आप लोग 6 ले सकते हैं, जितना आप चाहे उतना आप लोग यहां पर मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ये फोटो को भी मैंने यहां से ले लिया हूं और एक फोटो फिर से हम यहां पर ले लेते हैं इस तरीके से, और ये फोटो सही लग रहा है मुझे। ओके, चलिए ये स्क्रीनशॉट है, इसको हम बैक कर लेते हैं और फिर से एक फोटो ले लेते हैं ये वाला। चलिए ये हो गया है हमारा सही से स्टोरी के अंदर एक से ज़्यादा फोटो कैसे ऐड करना है, ये हमारा सही से लग चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिए अगर आप लोगों को अपनी सेल्फी वगैरह सारा कुछ कुछ लेना है तो फिर से वही ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर कैमरा वाला आप लोगों को सिम्बॉल देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं फ्रंट कैमरा ओपन हो गया है और डबल टैप करेंगे तो बैक कैमरा ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए व्हाइट वाला जो ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो फोटो आपकी इस तरीके से खींचा जाएगी। और चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहां पर नीचे लेके। और यहां पर मैंने स्टोरी के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझाया कि एक से ज्यादा फोटो आप लोग स्टोरी पर कैसे लगा सकते हैं। और यहां पर अगर आप लोगों को एक बोनस टिप्स दूंगा, अगर म्यूजिक ऐड करना है तो वो तो आप सभी लोगों को पता है कैसे ऐड करते हैं। चलिए यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर हमने ऊपर क्लिक करा, म्यूजिक पर क्लिक करा, जो भी म्यूजिक चाहिए सर्च कर लीजिए और यहां पर आप लोग म्यूजिक लगा लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। भले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, वीडियो को लाइक ना करें, बट मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।